रुद्रपुर के पौश कॉलोनी की रहने वाली प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि जिस वक्त पति दोस्तों के साथ घर से बाहर गया था और छोटी बेटी घर में पढ़ाई कर रही थी, उसी वक्त प्रिंसिपल ने फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलने पर सिटकुल पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। प्रारंभिक जांच में पुलिस को घटनास्थल से किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार रेनबो पब्लिक स्कूल रुद्रपुर की प्रिंसिपल 37 वर्षीय पायल भारती ओमैक्स सोसाइटी में अपने परिवार के साथ रहती थी। पति सुयोग भारती कनराल में खेती करते हैं, साथ ही दो बेटियां हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की रात सुयोग अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर चला गया और 10 साल की छोटी बेटी घर के अंदर बैठकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। इस दौरान पायल ने अपने पति को कॉल कर घर आने की बात पूछी और अपने कमरे में चली गई। 11:30 बजे पति जब घर पहुंचा तो बेटी कमरे के बाहर बैठी हुई थी। आवाज देने और कॉल करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो पति ने खिड़की खोलकर देखा तो पायल ने चुन्नी से फांसी लगा ली थी और फंदे पर लटकी हुई मिली। पति ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। सूचना पर सिटकुल चौकी प्रभारी प्रदीप कुमार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने रात को ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पहाड़ की दिनचर्या, खान पान, ताजी सब्जियां और भी पहाड़ी काम, इन सब को देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए वासु पहाड़ी यूट्यूब चैनल को। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।